नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। विद्यार्थियों के अनुरोध पे प्रस्तुत है दस कुमार चरित का सप्तम उच्छ्वास। षष्ठ उच्छ्वास हमने विस्तार से देखा, तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सप्तम उच्छ्वास भी प्रस्तुत किया जाए, तो सप्तम उच्छ्वास की कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। षष्ठ उच्छ्वास में जहां मित्रगुप्त की कथा थी, वहीं सप्तम उच्छ्वास में मंत्रगुप्त की कथा है। मंत्रगुप्त अपनी कथा तो राजवाहन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि प्रेम क्रीड़ा में उसकी प्रियतमा कनकलेखा ने जो रति क्रीड़ा के दरमियान उसके होठ पे दंतक्षत बना दिया है, इसकी वजह से उसको बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है। विशेष करके जब होठ से होठ टकराते हैं ना, तो उस समय ओष्ठ वर्ण उसको बड़ा ही परेशानी के साथ बोल पाएगा। इसलिए यहां महाकवि दंडी ने इस पूरे सप्तम उच्छ्वास में ओष्ठ वर्णों का प्रयोग ही नहीं किया है, जिससे कि उनके नायक को पीड़ा ना हो। विचार कीजिएगा, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? उपु पद्यमानियाना मोष्ठ हो, लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा है, उ और पवर्ग पा फा बा भा मा, ये जो पांच वर्ण हैं ये ओष्ठ वर्ण माने जाते हैं। तो इस पूरे सप्तम उच्छ्वास में कहीं पर भी पा फा बा भा मा इन वर्णों का उपयोग नहीं है, और इन वर्णों का प्रयोग किए बिना मंत्रगुप्त जो अपनी कथा राजवाहन को सुनाते हैं, देखिए मंत्रगुप्त कहना शुरू करता है कि आप तो वहां से गायब हो गए, मैंने भी वहां से प्रस्थान किया, और प्रस्थान करके मैं कलिंग देश में जाकर के पहुंच गया। देखिए, किसी भी देश में आप जाके पहुंचते हैं तो आपके स्वागत के लिए कोई तैयार हो ना हो, पर वहां के जो निर्जन स्थान होते हैं वो तो आपका स्वागत कर ही सकते हैं। तो मंत्रगुप्त ये कह रहा है कि वहां एक श्मशान भूमि में एक सुंदर वृक्ष देख करके, और उस वृक्ष के नीचे मैंने अपना आश्रय बना लिया, मैंने वहां रात्रि को निवास करने का निर्णय किया। चारों तरफ रात्रि के वातावरण में सब लोग जब एकदम से सो गए थे, मैं भी निद्राधीन था। अंधकार रूपी केश राशि जो नायिका की है वो चारों तरफ व्याप्त हो गई थी। तभी एक विशिष्ट प्रकार की आवाज मेरे कानों में आनी शुरू होती है। किंकर, राक्षसों का समूह, उनमें से किंकर ये कह रहा है कि भाई ये जो सिद्ध है, ये जो भयंकर तपस्वी है, जो गलत साधनाएं करता है, अरे कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो इस सिद्ध से हमको बचा ले, इस सिद्ध से हमारी रक्षा कर ले। ये अघोरी जैसा सिद्ध व्यक्ति जिस प्रकार के क्रियाकलाप करता है और हमसे करवाता है, हम इससे बचना चाहते हैं। मैंने भी सोचा कि भाई ये सिद्ध कौन है, क्या कर रहा है जिससे सब लोग इस तरीके से बचना चाहते हैं, और मैं वहां से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक विशिष्ट प्रकार का सिद्ध जिसने अपने गले और सब जगह हड्डियों की माला और आभूषण धारण कर रखे हैं, यहां एक अघोरी जैसे स्वरूप का वर्णन है। अगर आपको मालती माधव याद हो तो वहां अघोर घंट की कथा आती है, जो मालती की बलि चढ़ाना चाहता है, बिल्कुल कुछ उसी प्रकार की कथा यहां है। तो वो अपने बाएं हाथ से वहां हवन कर रहा है, हवन में तो तिल वगैरह सामग्री ही डाली जा रही, लेकिन बाएं हाथ से हवन कर रहा है। देखिए, यहां कुछ उल्लेख जो पाए जाते हैं साहित्य में, उन पे अगर आप ध्यान दें तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगी। अगर आप कुछ उत्तम हवन करते हैं, सिद्ध हवन करते हैं, तो आप दक्षिण हाथ से, अपने दाएं हाथ से हवन सामग्री हवन कुंड में डाला करते हैं, जबकि यहां ये बाएं हाथ से आहुतियां दे रहा है, क्योंकि इसको जो जिसको हम मैली विद्या कहते हैं, इस प्रकार की विद्याओं की सिद्धि करनी है। और फिर वहां एक किंकर राक्षस भी इनके सेवक बन जाया करते हैं। जैसे हमने कहीं पे
जिन वगैरह को देखा हो कि उसको दीपक को घिसा और जिन प्रकट हो गया, बोले आका आज्ञा करो। मंत्रगुप्त के आख्यान में भी, मित्रगुप्त के आख्यान में भी ये चीज हम देख चुके हैं। वहां भी एक राक्षस से उसकी मित्रता हो जाती है, उसके सवालों के जवाब देता है। इसलिए यहां मंत्रगुप्त देखता है कि एक राक्षस उस सिद्ध के सामने हाथ जोड़े कांपता सा खड़ा है कि आज्ञा दीजिए क्या करना है। और वो सिद्ध उससे कहता है, जाओ कलिंग नरेश के महल में से उनकी पुत्री कनकलेखा को यहां लेके आओ। कलिंग नरेश, जिनका नाम यहां करदन बताया गया है, उनकी पुत्री कनकलेखा को लेके आ जाओ। किंकर को आज्ञा मिली और तुरंत जाता है रनिवास में से कनकलेखा को उठा करके और यहां उस सिद्ध के पास ला करके पहुंचा देता है। मैंने देखा वो कनकलेखा अत्यंत व्याकुल हो रही है, कभी अपने पिता के लिए चिल्ला रही है, कभी अपने माता के लिए चिल्ला रही है। हा तात हा जननी इति क्रंदतीम कीर्ण ग्लान शेखर स्रजी सीर्णान हंते सिरसि जानाम संचय निगृहियसिना शिलासितेने सिरस चिकर्षिसया चेष्टत। जब वो कन्या कनक लेखा एक तरफ चिल्ला रही है, हा पिता हा माता कोई मुझे बचा लो, ऐसे में उस सिद्ध ने उसके सिर के बालों को पकड़ के और एक शिला तल पे जिसको बरबर धार दे के तैयार किया गया है, ऐसी असी यानी तलवार से सिरस चिकर्षिसया चेष्टत। ध्यान दीजिएगा, यहां पवर्ग का उपयोग नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने में और ये पूरी वाक्य रचना में भी विशेषता है दंडी की। और यहां पे भी वो पदलालित्यम जो है वो तो पाया ही जाता है। तो जैसे उसका सिर काटने का प्रयत्न करता है, झटिति एकदम से चाछिद्य तस्य हस्तात् शस्त्रिकाम, मैंने दौड़ करके और उस सिद्ध के हाथ में से उस अस्त्र को छीना। तया निकृत्य तस्य तच्छिरः सजटा जालम निकटस्थ कस्यचिद् जीर्णसालस्य स्कंधरन्ध्रे न्यदधा। और मैंने उस सिद्ध के सिर को काट दिया और वहीं पास में एक साल का वृक्ष था, उसकी बखोल के अंदर उसके खोखले में उस सिर को फेंक दिया, डाल दिया। जो कनक लेखा के बालों को पकड़ के उसका सिर काटने जा रहा था, उस सिद्ध की जटा वाले सिर को मैंने काट करके उस बखोल में डाल दिया। जैसे ही मैंने ये कार्य किया, जो वो राक्षस कनक लेखा को लेके आया था वो अत्यंत प्रसन्न हो गया। वो कहता है कि आपने मुझे बड़े ही भयंकर कार्यों में से मुक्ति दिला दी है, ये मुझे अत्यंत पीड़ा देता था। देखिए, राक्षस जैसा व्यक्ति भी सभी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको भी पीड़ा हुआ करती थी। अगर वो काम ना करे तो इसका बस वर्दी है। इसलिए ये सिद्ध जो है अपनी सिद्धि के बल पे तो बड़ी ही यहां पे अनुनय विनय करता है, प्रशंसा करता है मंत्रगुप्त की और उनसे कहता है कि आप जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति इस पृथ्वी पे अगर मेरा स्वामी बनेगा, यानी आप मुझे जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन करने में मुझे अत्यंत आनंद होगा। देखिए, आज्ञा तो वो सिद्ध भी देता था लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करने में इसको पीड़ा होती थी। और आज वो राक्षस या किंकर, जो भी आपके किंकर सेवक को बोलते हैं, वो सेवक स्वरूपी राक्षस मंत्रगुप्त से ये कहता है कि आप मुझसे जो कहेंगे आपकी सेवा करने में मुझे अत्यंत आनंद होगा, क्योंकि आपने मुझे एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा और दुख से मुक्ति दिलवा दी है। ऐसे में वो मंत्रगुप्त कहता है, सखे सहिसा सज्जना चरिता शरणे। भाई, सज्जन लोगों का तो यही स्वभाव होता है कि किसी ने थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के मानते हैं। ये सज्जन लोगों का स्वभाव होता है। दुर्जन लोग बड़े से बड़े किए हुए उपकार को भी क्या कर दिया यार, ठीक है उसकी जवाबदारी थी इसलिए उसने ऐसा किया है, इस प्रकार से उस बात को उड़ा दिया करते हैं। लेकिन सज्जन लोग जो होते हैं वो दूसरों के द्वारा
किए गए छोटे से उपकार को भी भूलते नहीं हैं और उसको बड़ा पर्वत के समान विशाल मानते हैं। तो आप जो ये बात कह रहे हो कि आप के ऊपर मैंने कोई उपकार किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी इच्छा पूर्ण करनी है तो ये कन्या जिसको आप इसके घर से ले आए हो, बड़ी भयभीत है, बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है, इसको वापस इसके घर पे पहुंचा दो, बस इतना सा मेरा काम कर दो। इस बात को सुन करके, ठीक है, वो राक्षस तो इस काम को कर देगा, लेकिन वो कन्या जिसने मंत्रगुप्त का ये पराक्रम देखा है, जिसने उसके प्राणों की रक्षा की है, ये तो साहित्य का ऐसा बीज है जो सर्वत्र पाया जाता है, चाहे विक्रमोर्वशीयम हो, चाहे आज की फिल्में हो, कि जब नायक नायिका के प्राणों की रक्षा करता है तो नायिका को नायक से प्रेम हो जाता है। वही यहां पे कनक लेखा कहती है कि आपने एक तरफ तो मेरे प्राणों को बचा लिया, अब दूसरी तरफ आप कामदेव से पीड़ित करके, काम बाणों से मुझे व्याप्त करके, और अब एक तरीके से मुझे फिर से प्रेम रूपी सागर में डुबा करके मार देना चाहते हैं। अरे भाई, मैं आपकी दासी की तरह आपको किसी भी तरह से ना परेशान करते हुए और आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। मंत्रगुप्त का अपना ठिकाना नहीं है, स्मशान में एक वृक्ष के नीचे जिसने अपना आश्रय बनाया हुआ है, अब ये राजकुमारी को कैसे अपने पास रखे। लेकिन राजकुमारी उसकी इस पीड़ा को भी समझ जाती है संभवतः, इसलिए वो कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ हमारे रनिवास में चलिए। देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हमारे रनिवास में जो भी हमारी दासियां सखियां वगैरह हैं वो सब मेरे बस में है, सब मेरे कहने में, सभी मेरी अनुरागिणी है और अनुयायिनी है, इसलिए आप वहां होंगे तो भी आपकी उपस्थिति राज्य भर में किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, इसका मैं आपको वचन देती हूं। क्योंकि कई बार राजकुमारी कहे तो राजकुमारी के भवन में तो व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन फिर वहां से जिंदा वापस आना बड़ा टेढ़ा काम होता है, क्योंकि राजा लोग जब उन्हें पता चले कि भाई हमारी राजकुमारी के भवन में थे, तो मृत्युदंड से लेके और सारी सब कुछ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। और परेशानी ये कि जिस राजकुमारी से प्रेम किया उसके पिता के साथ युद्ध करते भी नहीं बनता है या उसको मारते भी नहीं बनता है। अगर हम भागवत का प्रसंग देखें तो अनिरुद्ध को बाणासुर की जो पुत्री उषा है वो उठवा तो मंगवाती है उसके रनिवास में, लेकिन जैसे ही बाणासुर को मालूम पड़ता है कि अनिरुद्ध रनिवास में है, वैसे उसके साथ युद्ध, और कृष्ण के साथ युद्ध, बड़ी लंबी पूरी कथा प्रसंग है वो। लेकिन यहां संपूर्ण विश्वास दिलाती है वो मंत्रगुप्त को कि मेरे रनिवास में से ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे आपके ऊपर कोई आपत्ति आए। जो दशा कनक लेखा की है मंत्रगुप्त के पराक्रम की वजह से, वही दशा मंत्रगुप्त की भी है कनक लेखा के सौंदर्य के कारण, वो भी उसके प्रति अत्यंत प्रेम बाणों से विद्ध और व्याकुल है। ऐसे में वो विचार करता है कि अगर इसके साथ नहीं जाता हूं तो वैसे ही कामदेव मुझे मार डालेंगे, और मरना ही है तो फिर क्यों ना प्रेम करके मरा जाए। और वो राक्षस से कहता है कि भैया, अब अगर आप करना ही चाहते हो तो हमारा इतना सा काम कर दो कि हम दोनों को उसी महल में पहुंचा दो। और इस प्रकार से जो मंत्रगुप्त है वो राजवाहन से कहता है कि मैं कलिंग नरेश के करदन, जिनका नाम है, उनके महल में, उनकी पुत्री के रनिवास में पहुंच गया। बड़े आराम से मैं वहां पे एक स्थान पे रुक गया जहां मुझे रखा गया। मैं सोच रहा था कि पुनः कनक लेखा के दर्शन होंगे, लेकिन उसी समय कनक लेखा की दासियों ने आकर के मुझसे ये कहा कि कनक लेखा के सिर्फ दर्शन नहीं, कनक लेखा आपसे आर प्रेम करती है। और इस प्रकार से मेरा और कनक लेखा का मिलन हुआ और हम बड़े आनंद से वहां रहने लग गए। तभी वसंत का वातावरण, वसंत का समय आया और कलिंग नरेश ने समुद्र के किनारे बने हुए एक उपवन में जाकर के उस वसंतोत्सव को मनाने का निर्णय किया।
कलिंग नरेश, उनकी रानियां, राजकुमारियां सभी वहां गए। मैं भी काम बाण से व्याकुल वहां समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचा। लेकिन तभी एक अघटित घटना घटती है। हुआ ऐसा कि आंध्र नरेश जयसिंह जो है वो समुद्र के मार्ग से बहुत सारी नावों में बहुत सारे सैनिकों के साथ वहां आकर के पहुंच जाता है और कलिंग नरेश गर्दन, उनकी रानियों और राजकुमारी कनकलेखा को भी बंदी बना करके अपने साथ ले जाता है। मैं अत्यंत प्रेम विवहल और व्याकुल, बड़ी ही अनुत्तम दशा को प्राप्त हुआ, मुझसे रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसी स्थिति। ऐसे में आंध्र प्रदेश से आए हुए एक ब्राह्मण के मुख से मैंने जो कथा सुनी उससे मुझे पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण ने बताया कि आंध्र नरेश जयसिंह कलिंग नरेश कर्दन को मार देना चाहते थे, लेकिन उनकी पुत्री कनकलेखा के साथ विवाह करने के आशय से उन्होंने उनको नहीं मारा है। लेकिन कनकलेखा के ऊपर एक यक्ष इस प्रकार से विद्यमान है कि कोई भी अन्य पुरुष कनकलेखा के सम्मुख देख भी नहीं सकता है, और अगर कोई उसके पास जाए तो वो उसकी हत्या कर देगा। इस भय से जयसिंह जो है वो कनकलेखा के ऊपर जो यक्ष है उसको दूर भगाना चाहता है। इसके लिए बहुत सारे ऋषि मुनि, यति, सन्यासी वगैरह, सबसे जिससे भी ये कार्य सिद्ध हो उन सिद्ध असिद्धों के पास वो भागता रहता है, बड़े प्रयास कर रहा है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैंने तुरंत आंध्र प्रदेश में पहुंचा और वहां जाकर के एक तालाब के किनारे कुटिया बना करके रहने लग गया। वही जो एक अघोरी को मार दिया था और उसकी जटाएं जो उस बखोल में उसका सिर फेंक दिया था, तो भैया बाकी भाग तो खत्म हो गया लेकिन जटाएं वो रह गई होंगी, उन्हीं जटाओं को सिर पे धारण किया ऐसा उल्लेख पाया जाता है, और उन जटाओं से अपने पूरे स्वरूप को बदल के कुछ भक्तों को एकत्रित किया, तरह तरह के कर्तव्य लोगों को दिखाने लग गया, और उन कर्तव्य को देख देख के लोग बाग जो धन संपत्ति वगैरह दिया करते थे सब भक्तों में बांट देता, तो मुझे तो क्या चाहिए था। इस प्रकार से मेरे सारे भक्त मेरे परम भक्त हो गए और मैं वहां जाकर के आंध्र में पहुंच गया। महल से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे मैंने अपनी कुटिया बनाई और फिर मेरे बारे की एक के बाद एक दंत कथाएं चारों तरफ फैलती चली गई। मंत्रगुप्त कहता है कि मेरे बारे की जो वाकया, जो कथाएं चारों तरफ प्रचलित हुई, मेरे भक्तों के द्वारा फैलाई गई, या इस जरद अरण्य स्थली सरतीरे स्थंडिलशाई यति ही तस्य किल सकलानी सरहस्यानी षडंगानी चा छंदांसी रसनाग्रे सन्निहितानी अन्यानी चा शास्त्राणी येन यानी न ज्ञायन्ते सतेसाम तत्सकाशात अर्थ निर्णयम करिष्यति। भाई वेद वेदांगों के साथ सारे ज्ञान उनको कंठस्थ हैं, और जिसको जो विद्या ना आती हो उस विद्या के ज्ञान के पास उनकी शरण में जाया जा सकता है। अब ये तो है विद्वत्ता की बात, और किसी को भी किसी भी प्रकार का कहीं से, यानी वैद्य जिस रोग को दूर ना कर पाए वो रोगी वहां आ जाए, अन्य लोगों की जो पीड़ाएं हो, समस्याएं हो, जिसकी जिस किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है। अरे भाई उनको जरा सा भी अभिमान नहीं है, लेकिन उनके पैर के अंगूठे का चरणामृत लेने से भी व्यक्ति के सारे दुख और सारे क्लेश और सारी बीमारियां दूर हो जाएं। देखिए आजकल भी यही होता है, कुछ ढोंगी हैं, कुछ इस प्रकार के लोग, उनके बारे की कुछ इसी प्रकार की वाक्याएं फैलती हैं और फिर लोग उनके यहाँ लाइन लगा लगा करके खड़े होते हैं। लेकिन ये स्थिति आज की नहीं, ये स्थिति तो ये दंडी के समय में भी थी, दंडी स्वयं इस चीज का उल्लेख करते हैं, हैं? तो जब ये बात फैलते फैलते जयसिंह के पास गई
तो एक दिन जय सिंह भी वहाँ दर्शन के लिए आ गए। सभी शिष्यों को उन्होंने बड़ा दान दक्षिणा वगैरह दे करके बड़ा ही प्रसन्न किया सबको, क्योंकि जिसके पास धन होता हो तो धन से लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। राजा ने बड़ा, और उसके बाद जब सबको प्रसन्न देखा तो एकांत में मुझसे धीरे से उसने कहा कि उसकी इच्छा क्या है, कि किस प्रकार से वो कनक लेखा के सिर से उस यक्ष को उतारना चाहता है जिस यक्ष की वजह से कनक लेखा उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तब मैंने कुछ विचार करके उससे कहा कि जहां आप इतने दिन रुके हैं, 3 दिन और रुकिए, क्योंकि बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन मैं आपके लिए इस कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा। और इतना कह करके उस राजा को वहां से विदा किया। राजा भी बड़ा प्रसन्न होकर के, क्योंकि उसकी कार्य सिद्धि होगी इसका उसको अब एहसास हो गया है, वो वहां से चला जाता है। इन 3 दिनों में जैसे ही रात्रि को चंद्रोदय होता है, मैंने एक विशेष प्रकार की सुरंग उस तालाब से लेकर के और दूर एक जगह तक बनाई, और उस सुरंग को इस प्रकार से ढक दिया कि वो सुरंग किसी को भी दिखाई ना दे। मैंने 3 दिन के कठिन परिश्रम से उस सुरंग के कार्य को पूरा किया, और सुबह होते ही नहा धो करके उस तालाब में, और फिर उसी प्रकार से भक्तों के बीच बैठ जाया करता था। 3रे दिन शाम होते ही, जैसे ही रात्रि हुई, 3 दिन तो जैसे तैसे जय सिंह ने कनक लेखा को याद करते करते पूरे किए, लेकिन 3रे दिन रात्रि के समय वो आकर के पहुंच जाता है, मुझे प्रणाम करता है। मैंने उससे कहा कि आपकी कार्य सिद्धि निश्चित है, मैंने इन 3 दिनों में बिल्कुल देख लिया है, आपकी अवश्य ही कार्य सिद्धि होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। और फिर मंत्रगुप्त उससे कहता है कि मैंने ये जो सरोवर है, ये जो तालाब है, इसके जल को अभिमंत्रित कर दिया है, आप इसके अंदर उतरिए, आप थोड़ी देर के लिए जल के अंदर जितनी देर अपनी सांस को रोक पाए उतनी देर सांस को रोक के उसके अंदर रुकिएगा। जब आप उसके अंदर रुकेंगे और जब आपकी सांस बिल्कुल फूलने लग जाएगी, फिर वहां आपको एक रक्त वर्ण पुरुष के दर्शन होंगे, और उसके दर्शन के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपका स्वरूप एकदम से बदल जाएगा, और उस बदले हुए स्वरूप के साथ जब आप कनक लेखा के पास जाएंगे तो वो यक्ष आपको देखते ही चंद्रलेखा को देख करके चंद्रलेखा के पास से भाग जाएगा, और आपको इस प्रकार से चंद्रलेखा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप इस मामले में अपने मंत्रियों से मंत्रणा कीजिए, धीवरों को ये काम सौंपिए कि इस सरोवर के अंदर वो उतर के, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, इसमें सब कुछ सुरक्षित है, उन सब चीजों को जांच पड़ताल कर ले। मतलब राजा को इस प्रकार से विश्वास दिलाया गया कि ये कार्य मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रकार से आप मत कर लीजिए, आप मंत्रियों से सलाह कर लीजिए, अपने ज्योतिषियों से, अपने जो भी आपके गुरु वगैरह हों उनसे इन सारी चीजों के बारे में मंत्रणा कर लीजिए, और इस सरोवर में भी आप स्नान करने जाएं उससे पहले जो मछुआरे, धीवर या गोताखोर जिनको हम सीधे शब्दों में कहें, उनको इस सरोवर में डुबकी लगा करके और इस सरोवर की हर तरीके से जांच पड़ताल उनसे करवा लीजिए। इतना ही नहीं, जब आप रात्रि को यहां स्नान के लिए आएंगे तो आप इस चीज का ख्याल रखिएगा कि यहां से थोड़ी दूर पर आपके सारे सैनिक चारों तरफ खड़े हों, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो और अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो आपके सैनिक आपकी मदद कर सकते हैं। अब जब इतनी सुरक्षा के साथ राजा को किसी भी अंधविश्वास की बात ही नहीं आई, इस प्रकार से जब उसको ये सारी चीजें बताएंगे, तो दूसरे दिन जाकर के उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्रियों ने भी मंत्रगुप्त की बात समझने की तो शक्ति थी नहीं, उन्होंने भी जब जयसिंह की सारी बातें सुनी तो उनको इसमें किसी जगह पे कोई परेशानी नजर नहीं आई, और किसी को नजर भी आए तो राजा इतना प्रेम में पागल है कनक लेखा के प्रेम में कि किसी एक दो व्यक्ति को तो राजा के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसे में दूसरे दिन जैसा कि मंत्रगुप्त ने कहा था उसी हिसाब से सारी तैयारियां करवाएंगी, चारों तरफ सैनिक खड़े हो गए और मछुआरों को बाकायदा गोताखोरों को उस तालाब में भेजा गया, उस तालाब के अंदर एक भी कांटा नहीं रह जाना चाहिए, इस प्रकार से उस तालाब का पूरा शुद्धिकरण करवाया गया और उसके बाद राजा को उसमें उतरना है।
राजा ने जब शाम को मंत्रगुप्त को प्रणाम करके ये सारी बात कही थी कि ठीक है मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं, तो मंत्रगुप्त ने राजा से कहा था देखिए मैं सन्यासी हूं, यति हूं, और यति सन्यासियों को एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए, उनको तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, ये शुद्ध होते हैं। तो कल जब आपके कार्य की सिद्धि होगी ना, तो मैं यहां उपस्थित नहीं मिलूंगा आपको, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। इस प्रकार से मंत्रगुप्त ने अपनी अनुपस्थिति बता दी थी, और वो सारी चीजें उनकी प्रजा को, उनके मंत्रियों को, उनके सेवकों को, उनके सैनिकों को, सबको ये बात मालूम। ऐसे में जब राजा जयसिंह रात्रि को उस सरोवर में उतरते हैं स्नान के लिए, तो उसी सुरंग के माध्यम से वही तालाब के अंदर मंत्रगुप्त पहुंच जाता है, और जब वो अपनी श्वास रोक करके उस कहे हुए यति की साधना करने की कोशिश कर रहे थे, उसी स्थिति में जैसे मगर गर्दन पकड़ ले, इस प्रकार से उस जयसिंह के ऊपर आक्रमण करके और वहीं पे उस जयसिंह का काम तमाम कर देता है, और उस जयसिंह को उसी सुरंग में छुपा करके और स्वयं एक दिव्य स्वरूप जैसे प्राप्त हो गया हो जयसिंह को, इस प्रकार से उस सरोवर से बाहर आता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राजा स्वयं उनका स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो बाहर आए हों, और इस प्रकार से बाहर आकर के सारी प्रजा जैसे कि सबको इस चीज का एहसास करवा दिया गया था कि राजा स्नान के बाद जब बाहर आएंगे तो उनका स्वरूप दिव्य हो जाएगा, और अब वही अत्यंत सुंदर मंत्रगुप्त जो है वो जयसिंह बन करके और आंध्र के सभी उन मंत्रियों सेनापतियों और उनके साथ साथ में महल में प्रवेश करता है। महल में प्रवेश करके वो रात तो कनकलेखा की याद में जैसे तैसे उसने व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सिंहासन पे बैठता है, और सिंहासन पे बैठ के सबसे पहले ये कहता है कि लोग बाग जो कहते हैं ना कि सिद्धों में शक्ति नहीं है, अरे सिद्धों में कितनी शक्ति है, देखो मेरा कैसा दिव्य स्वरूप मैंने प्राप्त किया है, सिद्ध की कृपा से। इस प्रकार से वो मंत्रगुप्त जो है पूरी तरीके से स्वयं जयसिंह बन के सिंहासन पे स्थापित होता है, और स्थापित होने के साथ ही जो उत्तम कार्य करने हैं उन कार्यों का प्रारंभ करता है, लोगों को दान धर्म दक्षिणाएं ये वो, हमारे बाप का क्या जाता है, उस पूरे राज्य की जो संपत्ति है उससे लोगों को एक तरीके से प्रसन्न करता है, और जब अच्छे कार्य आप कर रहे हो तो लोग आपकी निंदा या बुराई या आपके अंदर की भूल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। मंत्रगुप्त कहता है कि राजकाज तो सब सुचारू रूप से, किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, इस प्रकार से शुरू हो गया। लेकिन तभी वहां कनकलेखा की सखी शशांक लेखा जो है वो आकर के पहुंचती है। मैं शशांक सेना नाम है, शशांक लेखा नहीं, शशांक सेना नाम है। वो शशांक सेना से मैं पूछता हूं कि क्या आपने कभी मुझे देखा है। अब जो राजकुमारी के रनिवास में रह चुका हो तो राजकुमारी की प्रिय सखी उसको कैसे नहीं जानती होगी। शशांक सेना मुझे देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझसे सारी बात पूछती है, और मैं उसको पूरी कथा सुना देता हूँ कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे आंध्र नरेश बन गया हूँ। वो सारी कथा जा करके कनकलेखा को सुनाती है, और इस प्रकार से मुझे ना सिर्फ आंध्र का राज्य, आंध्र के साथ कनकलेखा से विधि विधान पूर्वक विवाह हो करके और एक प्रकार से कलिंग के राज्य की भी प्राप्ति हुई, और उसके बाद यहाँ पे मदद करने का जब मुझे एक अवसर मिला तो मैं यहाँ मदद के लिए आ गया हूँ, और यहाँ आकर के आपसे मुलाकात हो गई। इस प्रकार से मंत्रगुप्त अपनी पूरी कथा बिना किसी ओष्ठ वर्ण का उपयोग किए वगैरह यहाँ पे कहता है। बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यों का प्रयोग जिनको हम रेफरेंस वाक्य कहते हैं, सूक्तियाँ कहते हैं, उनका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये सातवां उच्छ्वास महाकवि दंडी की प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है, क्योंकि बिना ओष्ठ वर्ण का उपयोग किए हुए इस प्रकार से पूरा एक उच्छ्वास लिखना, हमें अगर एक पत्र भी लिखना हो तो हमारे लिए कठिन है, बड़ा ही सुंदर कार्य है। धन्यवाद मित्रों।
मैं समझता हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सुनिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।